अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करती हूँ आपको ऑटोकैड की नई क्लास के अंदर। तो आज हम देखने वाले हैं, आज हमारा स्टार्ट होने लगा है 3D, क्योंकि लास्ट क्लास में जो इरेगुलर प्लॉट एरिया था वो तो हमने देख लिया कि किस तरह उसको बनाया जाता है। बाकी उसके अंदर जो काम रहता है इस तरह की जो ड्राइंग्स होंगी वो इंशाल्लाह हमारी 3D कम्प्लीट होने के बाद उसके ऊपर मैं एक दफ़ा फिर से आऊँगा, रिवीजन करूँगा आपकी सारी। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D, यानी हमने 3D प्रोजेक्ट किस तरह बनाने हैं, यानी हमारा 2D के बेसिक्स कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्लियर हैं, और जो इरेगुलर प्लॉट एरिया जो होते हैं अनइक्वल साइड्स उनके ऊपर भी हमने कल की क्लास में देख लिया है। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी, मिस की है, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन का, जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D, यानी हम इसी को अब जो हमने बनाया सारा प्रोजेक्ट, अब इसको 3D में कैसे लेना है, यानी 3D में किस तरह बनाना है, तो आज की क्लास में नहीं वो देखना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम आप कुछ नई चीज़ें देखेंगे, कुछ नई कमांड्स देखेंगे, आपको मैं बेसिक्स बताऊंगा पहले, उसके बाद फिर हम अपनी इस ड्राइंग के ऊपर आएंगे। तो अब हम जब स्टार्ट करने लगे हैं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे इस बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइंग को। अब यहाँ पे हमने जो व्यूज़ बनाए थे इसके मैं सारे डिलीट करूँगा, क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको रखेंगे क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस आपने करनी है। तो मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं बनाए थे सारे, लेफ्ट राइट व्यू टॉप व्यू सारे, इसको फ्रंट व्यू बताए थे हमने। तो आज हमने स्टार्ट करना है 3D, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक यहाँ पे एक नया एक रूम कहले के रूम बनाऊंगा। अभी हम ड्राइंग पे नहीं आएंगे, मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपको डायरेक्ट मैं ले जाऊँ ड्राइंग के ऊपर, उसके ऊपर 3D स्टार्ट करवा दूँ, नो। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक बनाएंगे सेपरेट एक रूम बनाऊंगा छोटा सा, आप उसको बस आपके टूल्स क्लियर करवाने हैं 3D के अंदर क्या क्या टूल यूज़ होते हैं और क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे जी हम पहले तो हम एक नई लेयर बनाएंगे, क्योंकि अब हमने काम करना है 3D के ऊपर, तो 3D के लिए मैं सारी सेपरेट लेयर बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 3D वॉल्स के नाम से इसको मैं एक, ठीक है, जैसे हमने रखा था ना पीछे 2D विंडोज 2D वॉल्स, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3D वॉल्स, ठीक है। इसका मैंने नेम दे दिया, कलर जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, अभी मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ। उसके बाद हम इसको कहते हैं करंट लेयर, बट उससे पहले हमने एक और काम करना है। यहाँ पे मैं एक रूम बना लूँ पहले, और उसके बाद फिर हम काम करते हैं जी। यहाँ पे मैं लाइन टूल लेता हूँ, ठीक है, आपने भी पहले जैसा बेशक प्रैक्टिस कर ली नहीं एक रफ के ऊपर, फिर उसके बाद आप काम करेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम जी बनाते हैं एक मरूम बनाता हूँ 14 फिट का, ठीक है, और उसके बाद हम एक साइड वे लगाते हैं जी 12 फिट की, इधर हम करते हैं 14 फिट की, और इधर हम करते हैं सीसी क्लोज, और इसका ऑफसेट ले लेते हैं वही 9 इंचज़ का ऑफसेट। यानी एक समझे कि मैं आपको डमी बना के दिखा रहा हूँ कि इस तरह करके हमने ये पूरा प्रोजेक्ट का बनाना है 3D का। तो इसको मैं कर रहा हूँ ट्रिम, इधर भी ट्रिम करते हैं ऐसे, और इस तरह इनको भी ट्रिम कर लेते हैं। तो ये जी रहा हमारा एक पूरा, यानी हमने रूम बना लिया 14x12 फिट का, ठीक है, एक रूम बनाया। अब इसके ऊपर हम 3D का काम करें, अभी फिलहाल आप जस्ट आप फोकस रखें कि बस आपने एक सिर्फ देखना है कि चीज़ों को किस तरह 3D में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, बस उसके बाद प्रोजेक्ट पे चलेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने एल ए लिखना है और अपनी 3D वाली लेयर पे चले जाना है 3D वॉल्स, यानी हमने अब इसकी वॉल्स बनानी है। तो वॉल्स बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, REC लिखेंगे, REC रेक्टेंगल के लिए, और हम यहाँ से इसका रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह का, ठीक है। अब रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आप फिर आप चले जाएँ एल ए में, और आपकी जो ये लेयर है ना आप इसको हाइड कर दें, बेशक आपकी जो जीरो लेयर है इसको बेशक हाइड करते हैं। जब आप हाइड करेंगे तो देखिए एक लाइन ख़त्म हो जाएगी, ये वो लाइन थी जिसका बाहर वाला एरिया था, क्योंकि हमने अंदर से रेक्टेंगल लगाया है। अब जहाँ पे मैं ऑफसेट ले रहा हूँ 9 इंचज़ का, जब मैं ऑफसेट लूँगा तो देखिएगा क्या होगा, जहाँ पे हमें गौर से समझना है इस बात को कि हमने क्या किया है। हमने ऐसा किया कि जो 2D वाला काम था ना, 2D वाला जो 2D वाली लेयर थी उसको मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है। अब ये जो बाहर था ना, ये तो इसका ऑफसेट था, हमने अंदर की तरफ ऑफसेट लिया था ना उसका 9 इंचज़, ठीक है, तो उसको मैंने अभी फिलहाल के लिए कर दिया हाइड,
तो कब हमें काम करना है 3D, वो सिर्फ मैंने इसलिए रखा था कि हमें पता हो कि इतना सा वो कमरा है, रूम है। ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे 9 इंचेस का, इसको बाहर की तरफ लेंगे, ठीक हो गया। तो ये इसका जी हो गया ऑफसेट, हमने ले लिया। अब हमने क्या करना है, हमने एक नई कमांड पढ़नी है, बट उससे पहले हमने एक सेटिंग भी करनी है। यहाँ पे हमने जाना है यहाँ पे इसमें, और यहाँ पे जाके अपने कह देना शो मेन्यू, अगर आपका ये ऊपर वाला मेन्यू नहीं शो कर रहा तो अपने कह देना यहाँ पे शो मेन्यू, पर यहाँ पे लिखा रहा हाइड मेन्यू, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ऑन है तो इसलिए हाइड का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपने चले जाना टूल्स के अंदर, और टूल्स के अंदर आपने जाना है, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक ऑप्शन टूल बार के अंदर आपने जाना है, टूल्स में जाके आपने जाना टूल बार्स के अंदर, और इसके अंदर आपने जाना ऑटो कैड के अंदर, और ऑटो कैड के अंदर जाके आपने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे व्यूज का, ये रहा हमारा व्यूज, ठीक है। आपने इसको ऑन कर लेना। अब ये जो व्यूज़ हैं ये 3D के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, और इनके बगैर तो आप समझे कि वो काम नहीं कर सकते सही से। तो आपने इसको पकड़ना है यहाँ से, और बेशक इसको ख़त्म कर दें, इसका काम नहीं है, उठा के बेशक इसको ख़त्म कर दें, ये जो है इसको क्रॉस करें यहाँ से, और इसको आप ड्रैग करके इधर साइड पर लगा दें, ये रहा जिसके व्यूज़ हैं। अब व्यूज़ इसमें कौन से आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास टॉप व्यू, यानी आप ऊपर से देख रहे हो हमारा जो करंट है, ये देख लें इधर आपको बता भी रहा है कि टॉप व्यू है। उसके बाद यहाँ पे हमारा हमारे पास आया था बॉटम व्यू, यानी नीचे से दिखाएगा जगह को, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करके शिफ्ट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लेफ्ट व्यू, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ देखा हमें लेफ्ट व्यू दिखा रहा है। उसके बाद हम चलते हैं राइट व्यू, इस तरह हमारे पास फ्रंट व्यू आ रहा है, बैक व्यू आ रहा है, साउथ आजोमेट्रिक व्यू आ रहा है, यानी देखें दोनों दो दो डिफरेंट डायमेंशन से दिखा रहे, यानी ये जी हमारे पास है, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाएगा भी ये हमारे पास साउथ वेस्ट है, ठीक है साउथ वेस्ट। ये देखिए हम यहाँ पे हमारे पास क्यों बता भी रहे हैं कि हमारे पास साउथ वेस्ट, ये चीज़ देखिए इधर से कि अब हम इधर से देख रहे हैं इस एंगल से, अभी हमारी दीवारें नहीं है ना, अभी सिर्फ 2D में ही दिख रहे हैं। उसके बाद आज से हमारे पास यहाँ पे साउथ ईस्ट आ जाता है कुछ इस फॉर्म में, इस तरह फिर हमारे पास आते हैं नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, उसके बाद फिर आज से हमारे पास नॉर्थ वेस्ट आ जाता है, ठीक है। इतने सारे इसकी व्यूज़ हैं। अभी हमने जाना है वापस 2D यानी टॉप व्यू के अंदर। टॉप व्यू के अंदर जाने के बाद आपने ये काम कर लेना, लाजमन इसको ऑन कर लेना, और उसके बाद हमने यहाँ पे करना है इसको एक्सट्रूड करना है, EX लिखे आप इसको करेंगे एक्सट्रूड, और आपने राइट क्लिक करना, आपने जब एक्सट्रूड करना है EX T लिखना है, डबल इंटर करना आपने, ठीक है सॉरी सिंगल इंटर, EXT एक्सट्रूड, और आपने दोनों को सिलेक्ट करना है दोनों इकट्ठा, और आपने राइट क्लिक करना है इंटर करना है, और इंटर करने के बाद हमने साइज़ बताना है कि हमने कितना इसको एक्सट्रूड करना है, और हमने करना जी 10 फीट, क्योंकि जो दीवारें होती हैं उनकी हाइट होती है ऊपर की तरफ छत की तरफ होती है 10 फीट, इन 10 फीट करके हम यहाँ पे इंटर कर देंगे तो ये एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। अब आप अगर आप व्यूज़ चेंज करके देखें, यहाँ से मैं कहता हूँ सपोज इसका कहता हूँ जी लेफ्ट व्यू, तो देखें अब ये पहले बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ लगा, देखें ये 10 फीट ऊपर की तरफ चला गया। मैं वापस आता हूँ टॉप व्यू में, तो टॉप व्यू में तो आपको सिर्फ लाइन ही दिखाएगा। अब हमें तो फिर भी वो ऐसे खाली खाली दिख रहा है, अब हम कैसे देखेंगे ये वाकई 10 फीट बना है कि नहीं बना। उसके लिए यहाँ पे हमने इसको 3D मोड ऑन करना है, 3D मोड ऑन करने के लिए आपने इसमें जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लिखना है शेड, शेड आप शेड लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं शेड मोड और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमने इसमें से सिंपल सेलेक्ट करना है शेड को, ठीक है। जब आप शेड को सिलेक्ट करेंगे तो देखें हमारे पास आ जाएगा ये। अब मैं यहाँ से करता हूँ सपोज साउथ वेस्ट आजोमेट्रिक व्यू, तो देखिए एक बॉक्स अभी दिख रहा है आपको, डब्बा सा देख रहा है, ठीक है वो बॉक्स क्यूब सब बना हुआ दिख रहा है आपको। व्यूज बेसिक चेंज करके भी देख सकते हैं, ये देखें हर लिहाज से आपको दिखा रहा है हर एंगल से, ये देखें आप जो हमारी 2D ड्राइंग पड़ी है, और ये देख ली 3D डिफरेंस देख लें क्या है। अच्छा जी वापस चलते हैं 2D ऊपर टॉप व्यू के अंदर, और अब हमें करना क्या है, ये तो बन गया बड़े जी क्यूब बना है, हमें तो एक चाहिए जिस तरह के अंदर से खाली होना चाहिए ना, दीवारें अंदर से तो खाली होती हैं, अंदर से तो भरा हुआ नहीं होता, ठीक है। उसका जो ऊपर छत होता है वो तुम सेपरेट बनाएंगे, ये तो बिल्कुल एक बॉक्स सा लग रहा है। उसके लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने वापस चले जाना है अपने 2D मोड के ऊपर वापस, तो 2D मोड के अंदर वापस जाने के लिए अपने यहाँ पे लिखना, अभी मैंने आपको उसके लिए शेड मोड लगा के दिखाया कि वाकई में काम कर रहा है। यहाँ पे उसने यहाँ पे आप आएंगे कमांड बार के अंदर, यहाँ पे आके टाइप करना आपने वायर 2D वायर फ्रेम, या वायर फ्रेम लिखेंगे तब भी आ जाएगा यहाँ पे, इसके अंदर आपने सर्च करना है, यहाँ पे वैसे डायरेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा, आपने करना है 2D 2D वायर फ्रेम, ठीक है।
इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस हम 2D में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी वापस आ जाएंगे। अब हमने करना है यहाँ पे एस यू बी लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट बोलते हैं यहाँ पे। आपसे सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इसको करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। याद रखना है आपने सब्ट्रैक्ट लिख के इंटर करना है, उसको सिलेक्ट करना है एक शेप को, राइट क्लिक कर देना है, फिर दूसरी को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक कर देना, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, फिर से यहाँ पे शेड लिखते हैं, शेड उसको कर देते हैं शेड। अब यहाँ पे फिर से हम अपना अपना व्यू चेंज करते हैं और आप देखेंगे, ये देखें अंदर से खाली हो गया। अब ये सारी की सारी इसकी दीवारें हैं सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डोर नहीं लगा हुआ, ना कोई विंडो कलर हुआ, ना कोई विंडो को एरिया निकला हुआ है। अभी सिर्फ हमने देखा है कि क्यूब को या किसी शेप को हम किस तरह एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड बोलते हैं इसे बड़ा करने को, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने कर लिया, एक्सट्रूड कर लिया, तो यहाँ पे एक्सट्रूड की मदद से हमने देख लिया कि एक्सट्रूड किस तरह करते हैं। हम वापस आए थे टॉप व्यू के अंदर, तो और देख लें अभी बिल्कुल आपको इस तरह लग रहा है। जब आप इसका व्यू चेंज करेंगे तो करके आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह करके। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे जी, हमने हमारे पास एक तो ये व्यूज़ है ना, एक हमारे पास आया था यहाँ पे 3D यानी 3D ऑर्बिट, एंड आपको फुल 3 डायमेंशन दिखाता है। 3DO लिखेंगे ना, 3DO, ये 3D ऑर्बिट। अब जब आपके पास ये होगा ना, तो आप इसको देखें किसी भी एंगल से देख सकते हैं, या बिल्कुल आप हर तरफ से घुमा के इसको देख सकते हैं। बस आप क्लिक करते जाएँ, देखें ये घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, देखें हर लिहाज से। जूम आउट करें, घुमा के देखें, ये करें, देखें 2D ड्राइंग आपकी दिख रही है साथ में, और साथ में हमारा ये भी ड्राइंग पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको ख़त्म करना, वो इसके बटन प्रेस कर लें, अपने टॉप व्यू में आए, वापस आ जाएंगे वो एक्चुअल। तो ये था हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि एक्सट्रूड कैसे करते हैं, और ये हमारे जो कमांड्स हैं, व्यूज़ हैं, इनको किस तरह ऑन करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे अपने जाना है मेन्यू, इसमें जाना है, और यहाँ पे कह देना शो मेन्यू अगर हाइड हुआ है तो। उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पे टूल्स के अंदर, और टूल्स में जाके आपने करना है टूल बार के अंदर ऑटो कैड, और ऑटो कैड के अंदर आपने नीचे चले जाना है व्यूज़, इनको ऑन कर लेना, ठीक है, सेट करना है। उसके बाद यहाँ साइड पे, और जैसे आपको मैंने एग्जांपल छोटा सा डमी बना के दिखाया है कि किस तरह ये एक्सट्रूड की कमांड काम करती है 3D की बेसिकली, तो इस तरह करके आपने इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो पहली क्लास तो आप सिंपल ये समझें कि सिर्फ ये आपको बस इंट्रो दिया है 3D का, कि 3D किस तरह काम करती है। ऑटो कैड के अंदर ही हमने 3D बना रहे हैं, कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रही है इसको, कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरह करके हमने ये काम करना है। अभी जस्ट एक टच ही था, पहली क्लास थी 3D की, तो बाकी जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना इस ड्राइंग के ऊपर काम, ठीक है, और उसके ऊपर फिर हम काम करेंगे पूरा का पूरा, सारा कंप्लीट करेंगे, एवरीथिंग विल डिज़ाइन। तो फिर वो कल की क्लास में देखेंगे, आज इसकी प्रैक्टिस करें, यानी जो हमने चीज़ें देखी हैं सेटिंग्स करना, और आपको जो एक बेसिक सी छोटी सी चीज़ बताई इसके ऊपर, ज़रा आप टेस्ट आउट करिएगा कि 3D की कमांड कैसी है, 3D कैसा है, ठीक है, ऑटो कैड के अंदर। तो अब मैं आपको मिलूंगा ही नहीं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।